Hey you guys, welcome to Toys in India and मैं सौम्य आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ Toys in India में। इस प्लेटफॉर्म पे मैं अक्सर आपके छोटे बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग स्किल डेवलपमेंट वाले गेम लाती रहती हूँ, जिससे वो अच्छी तरीके से टीवी से दूर, फ़ोन से दूर कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहें और देर बाय अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते रहें। तो यस, आज भी मैं कुछ ऐसे ही गेम्स लाई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बस गेम्स दिखा देती हूँ, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कैसे कैसे खेली जाती है, फिर प्राइस की या ख़रीदने की आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो वी हैव दिस नंबर 8799576722। गिफ्ट पर्पज़ के लिए भी आप चाहो तो उस पर मैसेजेस कर सकते हो, तो 3-in-1 कॉम्बोज, 11-in-1 कॉम्बोज आपको मिल जाएंगे। लेट अस क्विकली स्टार्ट विद अलग अलग चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये फ्रूट क्यूब पजल लाई हूँ। फ्रूट क्यूब पजल की खासियत क्या है, इधर आपको ऐसे ये आपको क्यूब दिख रहा है ना, इसमें आपको 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, आपको इसमें 6 अलग अलग फ्रूट पीसेस दिख जाएंगे, 6 अलग अलग फ्रूट्स के पीसेस पार्ट्स दिख जाएंगे। एंड ये सबसे अच्छी बात है, इसमें मैंने ये ना जो क्यूब है ना, इसको मैं वापस से फोल्ड कर सकती हूँ, मतलब फोल्ड करके रख सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। एंड इस तरीके से ये जैसे ये वो है 4 क्यूब फ्रूट पजल, मतलब 4 क्यूब्स वाली एक पजल है। तो जिग्सॉ से कैसे अलग है, डेफिनेटली जिग्सॉ हम कई बार देखते हैं, तो ये जो क्यूब पजल का आइडिया बनता है डिफरेंट और बहुत ही अलग कुछ होता है। जो बच्चे जो होते हैं वो यूजुअली बहुत रूटीन आइटम से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है हर दिन। तो यही खासियत है इस फ्रूट क्यूब पजल की। अगर आपने अभी तक क्यूब पजल नहीं इंट्रोड्यूस कराई है बच्चों को, तो यस क्यूब पजल आप ऐसे करा सकते हैं। इसमें क्या है, ये भी रिपीटेबल ही है। प्लस जिग्सो में आप एक पजल से एक ही पिक्चर सेट बना सकते हो, इसमें आप एक पजल सेट से कैन यू लुक एट इट, मेरे पास 4 क्यूब्स हैं जिनको मैं आप ही के सामने अभी फोल्ड करूंगी और इससे मैं 6 अलग अलग पिक्चर्स बना पाऊंगी। तो इस तरीके से देखो जैसे इजीली फोल्ड हो जाते हैं और ये प्लास्टिक फ्री हैं, जगह भी ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि आपको स्टोर करके क्यूब्स की तरह नहीं रखना होता है, आपको फोल्ड करके रख देना होता है। तो ये मेरा तैयार हो गया है क्यूब, इसी तरीके से दूसरा क्यूब तैयार कर लेती हूँ मैं। और ये सब करते टाइम पे ना बच्चों की मोटर स्किल्स डेवलप होती है, सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट दीज एक्टिविटीज। जो भी मैं एक्टिविटीज लेके आती हूँ सब कुछ हेल्प करती हैं कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलपमेंट में। तो ये मैंने जैसे 4 पीस की क्यूब पजल थी, 4 क्यूब को मैंने फोल्ड कर दिया और मैं लेती हूँ ये बोर्ड और इसमें मैं अरेंज करती हूँ, मैं बनाना बना के देखती हूँ। तो बनाना के पहले मैंने फेस अप कर दिया, आपको एक पजल सेट में 6 पिक्चर पजल्स मिलती हैं, मतलब 6 पजल्स आप एक्चुअली खरीद रहे हो अपने बच्चों के लिए। और रिपीटेबल एक्टिविटी है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है, आपका जब खेलना हो जाए बच्चे का आप उठा के रख सकते हो। तो इस तरीके से मैं इस पे बना देती हूँ बनाना, मिनियंस बनाना। सो यस, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, लुक एट दिस गाइस। ये पजल हो गई, तो गिव दिस वीडियो थम्स अप इफ यू आर हियर विद मी। एंड इसी तरीके से ये एक पिक्चर पजल हो गई, मैं सारी बना के दिखा देती हूँ। तो मैं एप्पल अभी देखती हूँ, वाह ये देखो इतना ब्यूटीफुली ये एप्पल बन के आ गया। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ मैं ऑरेंज बना दूँ। ये ऑरेंज कैसे बनेगा, ओके लुक फॉर योरसेल्फ। इस तरीके से मैंने 3 फ्रूट्स बना चुके हैं, अब 3 और बचे हैं, मैं वो भी दिखा देती हूँ। गुआवा बनाती हूँ, ये गुआवा मुझे इसे अरेंज करना है। तो ये गुआवा अरेंज हो गया, अब 4 फ्रूट्स बना चुकी हूँ मैं और ग्रेप्स बनाती हूँ। ये ग्रेप्स बन गए हैं और लास्ट मैंगो होगा, डेफिनेटली मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेलकम द किंग।
इस तरीके से एक फ्रूट क्यूब पजल में आपको 6 अलग अलग फ्रूट्स के पिक्चर पजल्स आपको मिल जाते हैं। जब गेम हो जाए तो आप इसे वापस से उठा के रख सकते हो फोल्ड करके, जिस तरीके के ये बैग में आते हैं मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे। तो आपको इजीली आपको ये पिक्चर पजल की पजल आपको मिल जाएगी। जस्ट यू हैव टू लाइक गो एंड मैसेज ऑन दिस नंबर 8799576722 एंड साथ में यू कैन ऑल्सो विजिट smartokids.com, क्योंकि smartokids की ये एक्टिविटीज़ हैं, ये फोल्ड करके मैं आपके समझ रही हूँ, और काफ़ी लंबे समय तक ये यूज हो जाती हैं। All these are plastic free and 100% made in India. इस तरीके से ये आती कैसे हैं? ये आती हैं अलग अलग इस तरीके के बैग में, क्यूब पजल बैग, एक ऑर्गेनाइज बैग आपको मिलता है और इस तरीके से आप फोल्ड करके रख सकते हो। अब मैं दूसरी भी आपको क्यूब पजल दिखाऊंगी। ये हो गई 4 क्यूब पजल। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ साथ ही आपको एनिमल क्यूब पजल भी मिल जाते हैं, आपको व्हीकल क्यूब पजल भी मिल जाते हैं। तो लुक एट दिस, ये जो एक एक्टिविटी और है, सबके साथ मैनुअल भी आती है, तो एक क्यूब पजल दिख जाती है। इसमें आपको पूरा तरीका बताया गया है कैसे बच्चे ही इसको फोल्ड करेंगे। एंड देन लुक एट दिस, आपको इस तरीके से 6 अलग अलग व्हीकल्स, 6 अलग अलग पिक्चर पजल्स आपको दिख जाती है इसमें। आपको स्कूटर दिख जाएगा, आपको कार दिख जाएगी, स्कूल बस एंड JCB एंड प्लेन एंड एम्बुलेंस, ये सब दिख जाएगा आप ये सारे, और पीसेस इस तरीके से। तो कोई ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। एंड यस, ये आपको इस तरीके से क्यूब मिल जाते हैं। उसके अलावा मेरे पास क्या क्यूब है, और इसी के अलावा आपके साथ, आपको इसके साथ साथ ना एनिमल क्यूब पजल भी मिल जाती है। एनिमल क्यूब पजल में आपको 9 अलग अलग, नहीं हाँ 9 क्यूब की पजल है ये, वो 6 क्यूब की पजल थी उसके पहले, 4 क्यूब की पजल थी, ये 9 क्यूब की पजल है। इसमें 6 अलग अलग एनिमल्स आपको मिल जाते हैं। एंड यस, मैं उठा के रख देती हूँ उसको भी। एंड उसके साथ साथ अभी मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट वी हैव। हमारे पास कार्ड गेम्स भी हैं। कार्ड गेम्स में अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम इज स्मार्टो फ्लैश। स्मार्टो फ्लैश बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन कार्ड गेम्स, कैसे स्किल्स बढ़ते हैं यू विल कम टू नो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, एंटरटेनिंग सा गेम है। स्मार्टो फ्लैश में आपको इस तरीके के 55 कार्ड्स मिल जाते हैं। हर कार्ड में कोई ना कोई शेप मिल जाएगी किसी एक कलर की और कोई एक काउंट की। जैसे इसमें 3 सन दिख रहे हैं आप, और वो भी पर्पल कलर के दिख रहे हैं आपको। इसमें दिख रहा है 4 सन दिख रहे हैं ब्लू कलर के, राइट। इस तरीके से आप इसमें जाओगे आपको 2 येलो डायमंड दिख रहे हैं, राइट। इसी तरीके से इस गेम को कैसे खेलते, काफ़ी सारे तरीके इस गेम को खेलने के। सब आपको जो एक मैनुअल आती है उसके पीछे आपको प्रॉपर दिख जाता है, जो इस तरीके की मैनुअल आती है, और मैनुअल के में आपको गेम खेलने का पूरा तरीका मिल जाता है। साथ में एक QR कोड भी मिल जाता है जिसमें आप स्कैन करोगे तब YouTube वीडियो पर पहुंचोगे, जिसमें गेम खेलने के तरीके बताए, कैसे खेला जाता है और कितने तरीकों से खेला जाता है, सब कुछ बताया गया है। कौन कौन सी स्किल्स कैसे कैसे डेवलप होती है वो मैं बता देती हूँ। जैसे मैं एक गेम प्ले बताती हूँ, जैसे कोई भी 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं एंड उन्होंने ये कार्ड्स इक्वली डिवाइड कर दिए शफल करके, राइट। और ये शफल करके 2 पाइल्स में डिवाइड कर दिए, फिर जो टॉप कार्ड है वो अपना डिस्प्ले पे रख दिया यहाँ पे, तो आप टॉप कार्ड में देख सकते हो। एक में मुझे 5 मुझे फ्लावर्स दिख रहे हैं येलो कलर के, और दूसरे में मुझे 4 सन दिख रहे हैं पर्पल कलर के, राइट। तो उसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो अपने अपने हाथ में 3 कार्ड्स लेते हैं अपनी अपनी पाइल से, और क्विकली विदाउट वेटिंग फॉर दैट टर्न वो प्लेस करते जाते हैं। जैसे मुझे, मेरे पास आया यहाँ 4 डायमंड हैं, पर्पल 4 डायमंड है, ब्लू एंड एक हाउस है ब्लू, तो फिर इन दोनों कार्ड्स में से मुझे कुछ भी, या तो काउंट, या तो कलर, या तो नंबर, या तो शेप के बेसिस पे, यानी कि अगर मुझे डायमंड इधर दिखता है तो मैं डायमंड के उस पर रख देती हूँ, या तो कलर मैच करता है, कलर जैसे पर्पल चाहूँ तो मैं पर्पल के ऊपर रख सकती हूँ। तो अपने हाथ के कार्ड्स खाली करने होते हैं, तो मैंने पर्पल भी रख सकती हूँ, और इसे और कैसे मैच कर सकती हूँ कि 4 ये डायमंड है और 4 ही सन है, इस तरीके से भी रख सकती हूँ।
तो क्विकली रखते जाना, अपने कार्ड खत्म करते जाना है। तो जैसे अगर मैं इसको रखती हूँ तो फिर मैं तुरंत फिर मैं शेप मैच करके इसको भी रखूंगी, फिर मैं कलर मैच करके इसको रखूंगी। मेरे हाथ के तीन कार्ड्स खत्म हो गए, मैं तीन कार्ड उठा लूंगी, तीन ही कार्ड मैक्सिमम एक टाइम पर कोई भी उठा सकता है। फिर मुझे एक ये मिल गया, ऐसे ही सामने वाला प्लेयर भी खेलता चला जाएगा। जैसे एक से मैंने एक मैच कर दिया, फिर मुझे येलो और ग्रीन, और क्विकली आपको दिमाग लगाना है, जल्दी से सोचना है कि कलर मैच कर रहा है, काउंट मैच कर रहा है या शेप मैच कर रहा है। जैसे इधर मुझे येलो येलो मैच करना है, बहुत जल्दी फन गेम हो जाता है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से मैंने फिर से उठा लिया एंड डायमंड दिख रहा है मुझे और ग्रीन दिख रहा है, तो कुछ भी अभी मुझे नहीं करता, मैच कर रहा है। एक है और छः है यहाँ पे, नहीं मैच कर रहा है, लुक एट दिस। और फिर उसके बाद ग्रीन कलर मैच कर रहा है एंड देन मैं दो कार्ड और उठा सकती हूँ अभी। फिर उसके बाद फिर से मुझे ग्रीन कलर मैच करता हुआ दिख गया, मुझे ये भी मैच करता हुआ दिख गया, और मुझे फिर ब्लू कलर मैच करता हुआ दिख गया, ग्रीन कलर मैच करता हुआ दिख गया। फिर मुझे पाँच का काउंट भी दिख रहा है, फिर मुझे हर्ट भी दिख रही है, उसके बाद में मुझे रेड कलर दिख रहा है, उसके बाद में मुझे अगेन रेड कलर के उस पर मैं मैच कर रही हूँ, फिर मैं रेड कलर से कलर मैच कर रही हूँ, फिर मैं ये तीन कार्ड्स जो मैंने उठाए हैं उसे मैं टर्न करके पर्पल पे रख रही हूँ, फिर एक अगेन एक के बेसिस पे मैं इसे मैच कर रही हूँ, फिर मैंने ये तीन कार्ड्स उठा लिए एंड मैंने रेड रेड करके मैच किया, वन वन करके काउंट मैच किया, येलो येलो करके मैच किया। इस तरीके से कुछ ना कुछ बेसिस पे कुछ ना कुछ मैच करता रहेगा। आपको तुरंत तुरंत अपने पाए के कार्ड खाली करते जाने हैं, जो भी पहले फिनिश कर देगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई एम लेफ्ट विद वन कार्ड एंड यस, जिसकी पाए पहले फिनिश होती है वो जीत जाती है। तो दिस वॉज स्मार्टर फ्लैश एंड ये गेम भी एक इंटरेस्टिंग सा कार्ड गेम है, मल्टी प्लेयर कार्ड गेम है, इसे एक से ज़्यादा बच्चे खेल सकते हैं। दे एंजॉय इट सो मच, दे गेट सो मच लाउड वाइल प्लेइंग दिस गेम, सो दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग कार्ड गेम। उसके बाद मैं आपको एक दिखाती हूँ इंटरेस्टिंग सा जंगल सफारी पजल, अफ्रीकन सफारी इसका नाम है। इस तरीके का ये बॉक्स में आती है, बॉक्स में और निकलता है आपको एक ये बोर्ड, वेरी अट्रैक्टिव बोर्ड, अच्छी बिल्ड है एंड विद डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, और साथ में निकलती है ये अफ्रीकन सफारी। इसमें डायरी में आपको चैलेंजेस दिए हैं कुछ कुछ और सॉल्यूशंस दिए हैं। चैलेंजेस आपको अलग अलग लेवल्स के मिल जाते हैं, जैसे जूनियर स्टार्टर लेवल, जूनियर लेवल, फिर एक्सपर्ट लेवल, फिर मास्टर लेवल। तो ये जो एक अकेला ये एक सेट हो जाता है वो काफ़ी सालों तक बच्चे एंगेज रह सकते हैं। जैसे स्टार्टर लेवल पे मैं इसे शुरू करती हूँ। मैं स्टार्टर लेवल में आपको दिया क्या होता है इसके में, आपको कुछ टाइल्स दिए होते हैं, अलग अलग इस तरीके के टाइल्स दिए होते हैं आपको, और आपको चैलेंज, जैसे चैलेंज 19 है तो आपको ये सारे एनिमल्स डिस्प्ले करने होते हैं इस बोर्ड में इस टाइल्स के थ्रू। तो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इधर मुझे छः डियर मिल रहे हैं, दो लायन और एक चिंपांजी, राइट, सॉरी एप, ओके। तो छः डियर, दो लायन और एक एप। तो मुझे एक एप चाहिए, छः डियर चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि मुझे हर किसी में ये पार्ट तो ऐसा रखना ही पड़ेगा कि डियर पूरे टाइम डिस्प्ले में रहे। एंड इसी तरीके से, क्योंकि डियर मेरे पे लिमिटेड ही है, दो डियर और एक मैंने डियर दिखाती है उसने मेरे से। अब इसमें मुझे एक डियर है, शायद ये सही रहेगा, फिर मुझे इसमें दो डियर दिखाने हैं। तो चैलेंज क्या था मेरा, छः डियर मैंने दिखा दिए हैं, एक एप था और दो लायन थे। इस तरीके से मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया। स्टार्टर लेवल थी इसलिए मैं इसे इजीली कर पाई। अब मैं धीरे धीरे जाती हूँ जूनियर लेवल पे। लेवल धीरे धीरे टफ होती चली जाती हैं। तो यस, बच्चों को एक बार इसमें इंटरेस्ट आया, ही इज नेवर गोइंग टू गो बैक टू एनी अदर गेम। तो इस तरीके से इसमें ये भी नहीं मोनोटोनिसिटी रहती, नहीं, एवरी टाइम यू प्ले आपको लगता है नया गेम आप खेल रहे हो। तो आपको नेक्स्ट मिल जाता है ये तीन ज़ेब्रा एंड चार एप, तीन ज़ेब्रा चार एप, मुझे चार एप, एक दो तीन चार पाँच, काफ़ी एप तो दिख रहे हैं। तो तीन ज़ेब्रा चार एप करने के लिए मैं यहाँ पे एक तो वो वाला टाइप लगा लेती हूँ, मुझे कुछ याद आ रहा है, चलो
दो जेब्रा और तीन गेट, राइट। और जेब्रा के लिए मैं यहाँ लगा लेती हूँ। अब मुझे एक चाहिए, ये भी चाहिए, एक दो तीन चार, तो ये दोनों चाहिए। और तो एक हो गए एंड एक दो तीन, तीन जेब्रा और चार एक। यहाँ तो नहीं बैठ रही है बात, तो कुछ ऐसा जो सेंटर में आ जाए, तो शायद ये से यहाँ लेना चाहिए। एक एक ये हो गया, एक दो तीन, तीन जेब्रा चाहिए, तो मुझे सेंटर में जेब्रा चाहिए। या तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा तीन जेब्रा और चार जेब्रा हो गए, नहीं चाहिए था। ये टाइल भी नहीं जच रहा है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, एक दो तीन चार, अभी मैं देखती हूँ इसमें से कुछ होगा क्या। एक दो नहीं 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 एक दो तीन चार नो, एक दो तीन चार और एक जेब्रा वन, नहीं ऐसे भी नहीं चला। ये तो मुझे नहीं प्लेस करना, मैं अब कंफ्यूज होने लगी तो मैं सोल्यूशन देख लूँगी, वरना मोड लेट हो जाएंगे। तो चैलेंज 43 पे जाऊँगी। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा गेम है। सोल्यूशन 43 राइट। तो ये कैसे करना था मैं दिखा देती हूँ। अभी गेम बोर्ड में इसको रखना था, वाज इट रॉन्ग, नो इट्स नॉट 43। इस ये जो है पीस, इसको रखना था, नो ऐसे, फिर इसको रखना था ऐसे, इसको रखना था राइट, इसको रखना था ऐसे, तरीके से तीन जेब्रा और चार एक हो जाते। तो ये है अफ्रीकन सफारी गेम। दिस गेम इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपका बच्चा अगर ऐसे पजल्स को पसंद करता है, नहीं करता, तो यू शुड इनकल्केट दिस इंटरेस्ट इन देम। एंड यस, दिस वाज अफ्रीकन सफारी। एंड ये हो गए हमारे आज के टॉयज इन इंडिया में जो गेम्स थे वो, एक्टिविटीज थी वो। एंड I'll be back soon with some other interesting sets of activities. And until then, bye bye, take care, and I'll finish this live right now.